देखें तो निफ्टी फिफ्टी ये जो इंडेक्स इंडेक्स है है वो भी मोमेंटम मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो हमेशा आउट परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है ट्रेडिंग में आपके पास चॉइस है कि कब कैपिटल डिप्लॉय करना है कहाँ पे डिप्लॉय करना है बट इन्वेस्टिंग में ओवरऑल आपके ऊपर एक तरीके से कंस्ट्रेन है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो अब वो किस तरीके से इन्वेस्टेड रहोगे कि आप एक आउट परफॉर्मिंग मॉडल पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो ये काफ़ी डिस्कस टॉपिक है और इसके अराउंड काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मोमेंटम इन द फर्स्ट प्लेस क्या है ठीक अब मोमेंटम का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस क्या है अगर एक स्टॉक में रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस बहुत ज़्यादा होता है मतलब प्राइस बहुत फास्ट मूव कर रहा है बुलिश डायरेक्शन में मतलब ऊपर अप्रिशिएट होते जा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे कि वहाँ पे मोमेंटम है तो मोमेंटम कैन बी इन टू फॉर्मेट्स अब इसको लॉजिकली देखने जाओगे तो हर कोई मोमेंटम चेस कर रहा है बट अलग अलग तरीके से चेस कर रहा है कोई प्राइस के मोमेंटम को चेस कर रहा है कोई रिलेटिवली आइडेंटिफाई करते हुए मोमेंटम को देख रहा है अगर हम देखें तो निफ्टी फिफ्टी ये जो इंडेक्स है वो भी मोमेंटम इंडेक्स है क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अपने आप में टॉप फिफ्टी कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के बेसिस पे अगर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ी बढ़ते ही जा रही है क्योंकि मार्केट कैप का सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ये करेंगे तो मार्केट कैप आएगा अगर मार्केट कैप को बढ़ना होगा तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक प्राइस अगर बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन तो जो टॉप फिफ्टी स्टॉक्स हैं वो बाई डिफ़ॉल्ट निफ्टी फिफ्टी के पार्ट हैं जैसे ही कोई स्टॉक अंडर परफॉर्म करता जाएगा मतलब उसका स्टॉक गिरता जाएगा तो निफ्टी फिफ्टी के बाहर भी आ जाएगा इसलिए कहा जाता है कि लंबे ड्यूरेशन में कोई भी फंड मैनेजर मतलब बहुत कम फंड मैनेजर्स हैं वो निफ्टी फिफ्टी को बीट कर पाते क्यों क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अपने आप में एक मोमेंटम इंडेक्स है कि जैसे ही एक स्टॉक आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है प्राइस ऊपर आ रहा है उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट शेयर बढ़ता है मतलब मार्केट कैप बढ़ता है मार्केट कैप बढ़ता है तो धीरे धीरे वो अपने रैंकिंग सिस्टम में ऊपर आ जाता है तो निफ्टी फिफ्टी को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें ये इंडेक्स को तो एक रैंकिंग सिस्टम है टॉप फिफ्टी स्टॉक्स का कि जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है वो निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बनता जाएगा अब जैसे जैसे अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी फिफ्टी से निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में आ जाएगा नेक्स्ट फिफ्टी से मतलब अगले फिफ्टी वन से लेके हंड्रेड स्टॉक्स में भी अंडर परफॉर्म करेगा तो वो हंड्रेड एंड वन में आ जाएगा तो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के भी बाहर चला जाएगा सो दैट मीन्स द वे इट इज़ कंस्ट्रक्टेड द द वे निफ्टी फिफ्टी इज़ कंस्ट्रक्टेड इट इज़ अ मोमेंटम इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इज़ ऑल्सो मोमेंटम इंडेक्स अगर आप देखने जाओगे तो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का परफॉर्मेंस ज्यादा है निफ्टी फिफ्टी से क्यों क्योंकि यही स्टॉक्स हैं जो पहले स्मॉल कैप हैं फिर मिड कैप बन गए अब मिड कैप से वो निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में आ गए एक्चुअली निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी में कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी हैं बट वो मिड कैप के सेगमेंट में आ गया अब यही स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप बनने वाले द वे मार्केट्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर निफ्टी नेक्स्ट 150, फिर निफ्टी 200 ये सारे अपने आप एक मोमेंटम इंडेक्स है अब इसमें एक और इंडेक्स है विजय निफ्टी अल्फा इंडेक्स इसके ऊपर हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे बट लार्जली मोमेंटम इंडेक्स या मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हम हमेशा उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो हमेशा आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आउट परफॉर्मेंस मल्टीपल तरीके से हो सकता है या तो एक स्टॉक जो है वो एक बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करे मतलब एक स्टॉक निफ्टी फिफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो हम उसमें देखेंगे कि अच्छा ये स्टॉक निफ्टी फिफ्टी को आउट परफॉर्म करें तो यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी तो ऐसे आइडेंटिफाई करें अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग में और थोड़ा सा आगे जाते हुए सिंप्लीफाई करें और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है अब हर एक की डेफिनेशन हर एक ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी हुई है कि अगर एक साल से ज़्यादा अगर आप एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो आपके लिए इन्वेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है टैक्स कैसे लगाएंगे तो टैक्स के लिए एक डेफिनेशन चाहिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एक सिंपल डिफरेंस है कि ट्रेडिंग में यू ऑलवेज हैव अ चॉइस वेन टू डिप्लॉय योर कैपिटल बट विथ इन्वेस्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम योर कैपिटल इज डिप्लॉयड अगर आप आपके इन्वेस्टिंग कॉर्पस के फंड मैनेजर हैं तो आपकी कोशिश तो ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका पैसा इन्वेस्टेड रहे तो कि वो बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे जब कैपिटल अप्रिशिएट होने का उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा सो एज अ फंड मैनेजर और एज एज वी लुक एट इन्वेस्टिंग वी वॉन्ट टू गेट इन्वेस्टेड और वी वॉन्ट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विथ ट्रेडिंग वेन एवर अपॉर्चुनिटी अराइजेज वी पार्टिसिपेट एंड वी एग्जिट द ट्रेड तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जब जब भी हमें लग रहा है कि अच्छा टारगेट आ गया या हमारा जो व्यू था वो नेगेट हो गया हमने एग्जिट कर दिया तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का ब्रॉडर डेफिनेशन तो ये हो गया ट्रेडिंग में आपके पास चॉइस है कि कब कैपिटल डिप्लॉय करना है कहां पे डिप्लॉय करना है बट इन्वेस्टिंग में आपका ओवरऑल आपके ऊपर एक तरीके से कंस्ट्रेन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो अब वो किस तरीके से इन्वेस्टेड रहोगे अगर हम ये मानते हैं हम निफ्टी से निफ्टी की लर्निंग को बौरव करते हैं कि निफ्टी जिस तरीके से बनाए और मेजरली जित जितने भी इंडेक्स बने हैं ठीक है जो मोमेंटम को सिग्निफाई कर रहे हैं अब जैसे निफ्टी में हमेशा टॉप फिफ्टी कंपनीज का पार्ट बन रहे हैं जैसे कोई कंपनी अंडर परफॉर्म करती है हो निफ्टी फिफ्टी के बाहर चली जाती है दैट मीन्स निफ्टी फिफ्टी इन द फर्स्ट प्लेस इज़ अ रैंकिंग मैकेनिज़्म ऑफ इंडियन मार्किट्स इंडियन स्टॉक मार्केट की टॉप फिफ्टी कंपनीज को हम पार्टिसिपेट करें वैसे हम अपने खुद का भी इंडेक्स बना सकते हैं और वो इंडेक्स हमारा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या सॉरी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बन सकता है अगर हम ये मान लेते हैं कि निफ्टी फाइव हंड्रेड या निफ्टी टू हंड्रेड आपका एक यूनिवर्स बन गया एक ब्रॉडर यूनिवर्स बन गया इसमें से जो टॉप ट्वेंटी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं वो मेरा एक इंडेक्स बन गया और वो उसी में ही हमें पार्टिसिपेट करना है मे बी हम इक्वल वेटेज दे दें शायद हम उसमें अलग अलग तरीके से वेटेज दे दें कुछ स्टॉक में एक परसेंट में पार्टिसिपेट करें कुछ स्टॉक्स में दो परसेंट की पोजीशन बिल्ड करें कुछ स्टॉक्स में पाँच परसेंट की करें क्योंकि निफ्टी फिफ्टी का अगर हम बोरोइंग वो लर्निंग को बोरो करें तो हर एक सेक्टर का एक रेशियो है कि उसमें फाइनेंस स्टॉक्स जो है फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो थर्टी टू परसेंट है अब हर एक का वो रेशियो डिसाइडेड है कि एक सेक्टर इतने प्रोपोर्शन में निफ्टी फिफ्टी का पार्ट है तो आपका इंडेक्स है आपका जो पोर्टफोलियो है वो आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको आ, केमिकल सेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है या आपको समझ में आता है तो आप केमिकल सेक्टर को ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं बट आपको एलोकेट क्या करना है ठीक है अब ये एलोकेशन अपने आप में एक अलग साइंस है कि इसके ऊपर और डेप्थ में जाना पड़ेगा बट आज के वीडियो में हम थोड़ा सा एक ब्रॉडर लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं द सिंपलेस्ट वे टू बिल्ड योर ओन इंडेक्स इज टू हैव इक्वल वेट क्या आप इक्वल वेट के सारे स्टॉक्स जो हैं वो इक्वल वेट के होंगे हमारे यूनिवर्स है निफ्टी 200। मतलब 200 स्टॉक्स हैं 200 स्टॉक्स में से हमें बेस्ट ट्वेंटी को पार्टिसिपेट बेस्ट ट्वेंटी में हमें पोजिशन बिल्ड करनी है और इक्वल वेट पोजिशन करनी है मतलब ट्वेंटी स्टॉक्स हैं हर एक में पाँच परसेंटेज का वेटेज देना है मतलब अगर आपको एक लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आपको पाँच हज़ार से ज़्यादा की पोजीशन बिल्ट नहीं करनी अब ये हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जो हैं पाँच हज़ार से ज़्यादा के वैल्यू के होंगे तो आपको फिर ओवरऑल जो आपका कैपिटल साइज़ है वो बढ़ जाएगा बट मैं मोटा मोटी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लाख रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो पाँच की एक पोजिशन बिल्ट होगी ऐसे आप ट्वेंटी स्टॉक्स में बिल्ड करोगे सो दिस बिकम्स योर इंडेक्स अब ये कैसे बिल्ट होगा कि कुछ कंडीशन आपको इसमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये स्टॉक पिछले एक क्वार्टर में सबसे आउट परफॉर्मिंग होने चाहिए मतलब पिछले एक क्वार्टर में अगर ये स्टॉक टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस विल बिकम पार्ट ऑफ योर इंडेक्स एक रूल तो ये भी हो सकता है कि निफ्टी का तो रूल यही है ना कि एक साल के पीरियड में जो स्टॉक्स का मार्केट कैप टॉप फिफ्टी में होगा वो पार्ट होंगे निफ्टी फिफ्टी का फिर अगले बार फिर से रीबैलेंस करेंगे रीबैलेंस का डेट भी आपने डिसाइड किया हुआ है कि निफ्टी में एक पर्टिकुलर पीरियड में रीबैलेंस होगा वैसे आपका पोर्टफोलियो भी रीबैलेंस हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्मॉल केसेज आर बिल्ड बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट कि रीबैलेंस होते हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट अ मॉडल पोर्टफोलियो तो हम उसी तरीके के मॉडल पोर्टफोलियो का एक डिस्कशन कर रहे हैं कि आप एक आउट परफॉर्मिंग मॉडल पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो कुछ एनालिसिस कुछ कॉन्सेप्ट्स बॉरू कर लेते हैं ठीक है कि निफ्टी 200 का यूनिवर्स है पिछले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले तीन महीनों में जो स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है मतलब जिसका रेट ऑफ चेंज जितना पॉजिटिव हुआ है टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स को उठाएंगे और उसमें पाँच का इक्वल वेटेज देंगे और उसको हम रीबैलेंस करेंगे मे बी हर हफ्ते मे बी हर हर महीने महीने में एक बार उसे चेक करना है तो एक आउट परफॉर्मेंस का मोमेंटम इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बन सकता है अगर आपको लग रहा है कि एक क्वार्टर बहुत छोटा टाइम पीरियड है टू टू जज अ पोर्टफोलियो देन मे बी दैट ट्री बैलेंस पीरियड जो परफॉर्मेंस हम जो चेक कर रहे हैं एक क्वार्टर का देख रहे हैं उसकी जगह पे छः महीने का देखेंगे कि पिछले छः महीने में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया पिछले एक साल में स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं अब मोमेंटम पोर्टफोलियो बिल्ड करने के काफ़ी साइंसेस हो सकते हैं एक हो गया रेट ऑफ चेंज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं मैं आया हूँ लेकर टी एन टी वन मेंबरशिप जहाँ पे आप मेरे से कैंडल स्टिक एंड पी एंड एफ चार्ट सीख सकते हैं हम हर हफ्ते मिलकर वीकली एनालिसिस करेंगे हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू टी एन टी वन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन तो आपको सिंपल आर ज़ोन में आपके पास एक परफॉर्मेंस टेबल है ऑलरेडी स्कैन करके रखा है सो फ्रॉम लास्ट वन क्वार्टर सो ट्वेंटी फोर्थ मे से लेके ट्वेंटी फोर्थ फेब ये जो एक क्वार्टर का पीरियड है वो हमने डिसाइड कर लिया ग्रुप निफ्टी 200 है और उसको मैंने स्कैन कर लिया अब ये जो ये पीरियड में मुझे पता चल रहा है कि ए बी बी का जो स्टॉक है वो 56.2 परसेंट का इसने मूव दिया है पॉजिटिव मूव तो एक क्वार्टर का जो मूव है वो 56.2 परसेंट है फिर ये क्वार्टर का मूव ट्वेंटी है ए कैपिटल ए बी एफ आर एल का ट्वेंटी एट पॉइंट टू थ्री अब मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ बेस्ड ऑन द पीरियड क्योंकि हमें आउट परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये कुछ स्टॉक्स मिल गए वी डी एल का जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ सेवेंटी वन पॉइंट सेवन टू परसेंट फिर उसके बाद बी डी एल है सेवेंटी पॉइंट फोर परसेंट एच ए एल है सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तो ऐसे करते हुए मैं टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं ये ट्वेंटी स्टॉक्स में इक्वल वेटेज देते हुए इन्वेस्ट कर सकता हूं ठीक है अब ये मान लीजिए कि ये कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है इसको बिल्ड करना पड़ेगा सो बाय डिफॉल्ट ये ट्रेड रिकमेंडेशन भी नहीं है ना ही इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन है ये मैं आपके साथ एक साइंस डिस्कस कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के बेस पे आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो इक्वल वेटेज या मे बी आपके हिसाब से कितना वेटेज होना अच्छा ये आप डिसाइड कर सकते हो और उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड अ मॉडल पोर्टफोलियो सिंपल है आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल शीट पे और एक्सेल पे काम कर सकते हो कि अच्छा ये स्टॉक्स जो है पिछले क्वार्टर में ये टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स हो गए इनमें पॉजिटिव चेंज है अगर आप देखोगे तो दिस आर द स्टॉक्स विच हैव परफॉर्म्ड वेल बी डी एल एच एल सिमेंस ए बी बी मेजडॉक सी जी पावर बी एल इंडस टॉवर आर वी एन एल पॉली कैब भारत फोर्ज जिंदल स्टील डिक्सन ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे निफ्टी 200 को मतलब निफ्टी 200 में सबसे टॉप 20 स्टॉक्स जो हैं ये परफॉर्म कर रहे हैं अब इसका हाइपोथेसिस क्या है ये स्टॉक्स अगर बुलिश मोमेंटम में है तो बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू करेंगे अनटिल अनलेस कोई बड़ा फैक्टर चेंज नहीं हो जाता अब कोई बड़ा फैक्टर चेंज होना मतलब कोई फंडामेंटल्स चेंज हो गए या प्राइस में कोई बेरिश पैटर्न बन गया और उसने करेक्शन स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए आपके पास एक रीबैलेंस का पीरियड भी है कि हर हफ्ते आप आओगे चेक करोगे कि ये कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं जो टॉप ट्वेंटी में उनमें आपने इक्वल वेटेज किया अब लॉजिकली देखो कि वी का पिछले क्वार्टर में सेवेंटी वन पॉइंट सेवन टू परसेंट की मूव आई है तो ये जब बाहर निकलेगा जो मॉडल आपने पोर्टफोलियो बनाया इसमें से बाहर निकलने में भी, भी उसको टाइम लगेगा ना दस बारह दिन लगेंगे उसके जगह पे कोई एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा तो वो ये ग्रुप का पार्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से आपका कंटिन्यूस चर्निंग होता रहेगा पोर्टफोलियो का एंड इट माइट गिव यू सम परफॉर्मेंस राइट सो द वन वे ऑफ ऑब्जर्विंग और बिल्डिंग अ मोमेंटम पोर्टफोलियो इज थ्रू द लॉजिक ऑफ परफॉर्मेंस टेबल कि परफॉर्मेंस मेट्रिक्स को देखेंगे एक सर्टन पीरियड डिसाइड करेंगे कि पिछले क्वार्टर में जो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किए उससे उसके कंपेरिजन में हम ये देखेंगे टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स हैं इन्होंने आउट परफॉर्म किए एक बास्केट को तो वो अब मेरे पोर्टफोलियो में आ गए फिर इसका रीबैलेंस पीरियड होगा अगले हफ़्ते अगले हफ्ते सैटरडे टू सैटरडे आउट परफॉर्मेंस चेक करेंगे वापस से कोई नए स्टॉक आए तो उसको ऐड करेंगे जिसने वीक परफॉर्मेंस दिखाया उसको बाहर निकाल देंगे पोर्टफोलियो में से सिंपल लॉजिक है ठीक है अब ये जो पीरियड है दैट हैज टू बी डिफरेंट बट आई विल सजेस्ट दैट द परफॉर्मेंस पीरियड जो हम चेक करें वो एटलीस्ट वन क्वार्टर का देखें रीज़न उसका सिंपल है कि हर क्वार्टर बैलेंस शीट भी रिलीज हो जाती है कंपनी के परफॉर्मेंस भी रिलीज हो जाते हैं कितना सेल्स किया क्या उसके फैक्टर्स थे फंडामेंटल फैक्टर्स वो भी पता चल जाते हैं तो स्टॉक में जो मूवमेंट आता है वो वीक एक क्वार्टर टू क्वार्टर ज़्यादा वेरी करता है तो मिनिमम जो पीरियड आपका परफॉर्मेंस चेक करने का होना चाहिए एक स्टॉक का वो कम से कम एक क्वार्टर का होना चाहिए के क्वार्टर के परफॉर्मेंस को आप देख रहे हो और उस हिसाब से आप रीबैलेंस कर रहे हो तो एक तरीका हो गया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टेबल अदर कैन बी बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ कि आप रिलेटिवली मेजर करो कि कौन सा स्टॉक एक दूसरे के साथ क्या आउट परफॉर्म्स कर रहे इसके लिए काफ़ी सारे मेट्रिक्स ऑलरेडी सिस्टम में है सो यू कैन एक्सप्लोर अल्टीमेट पी एंड एफ मेट्रिक्स तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे भी मिल सकता है सो एट द एंड इफ टू कंक्लूड विथ मोमेंटम पोर्टफोलियो अगर आप कोई भी चीज़ मोमेंटम पोर्टफोलियो के बेसिस पे बिल्ड करते हो योर पोर्टफोलियो टू विन निफ्टी फिफ्टी और टू टू विन एनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी विल बी वे हायर क्योंकि एक स्टॉक है बुलिश मोमेंटम में है बुलिश मूव में है तो इट हैज़ हायर चांसेस टू कंटिन्यू दैट मूव तो जब तक वो मूव चलेगा तब तक हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें आप हमेशा आपकी कैश आपका डिप्लॉयड है क्योंकि कोई ना कोई टॉप ट्वेंटी स्टॉक्स होंगे जो परफॉर्म कर ही रहे होंगे अब इसमें आप आपका खुद के कुछ लेयर्स ऐड कर सकते हो कि प्राइस जो है डेली टाइम फ्रेम में या हम वीकली टाइम फ्रेम पे रीबैलेंस कर रहे हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड के ऊपर हो तो ऑब्जेक्टिवली यू नो दैट दिस आर द स्टॉक्स विच आर इन बुलिश ट्रेंड क्योंकि प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आपके लिए ट्रेंड बुलिश हो गया तो प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर है बुलिश है और फिर उसमें से आप परफॉर्मेंस को स्कैन कर रहे हो तो आपने ट्रेंड को फिल्टर कर लिया और उसके साथ में परफॉर्मेंस को ऐड कर दिया तो आप और फिल्टर आउट हो जाओगे क्योंकि इसमें बहुत बार ये भी पॉसिबिलिटी है कि पिछले क्वार्टर में शायद बुलिश मूव आ गया बट ओवरऑल इसका जो ओवरऑल ट्रेंड था वो वीक था तो भी वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आने के चांसेस हो सकते हैं तो आप ये देख सकते हो आप आपकी खुद की कंडीशन ऐड कर सकते हो कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक ट्रेड करेगा हालांकि परफॉर्मेंस तो चाहिए बट प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करना चाहिए सो दैट कैन हेल्प यू बिल्ड सम एच सो दिस इन इट जो भी मैंने डिस्कशन किया ये अपने आप में कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी नहीं है इसको आपको और एनालाइज करते हुए बिल्ड करना पड़ेगा बट मुझे एक आपके साथ शॉर्ट एक थॉट शेयर करना था कि परफॉर्मेंस टेबल को यूज़ करते हुए आप ऐसे इंटरेस्टिंग सेट ट्रेड सेटअप या इन्वेस्टिंग सेटअप्स बना सकते हो इसको आप मोमेंटम की तरह देख सकते हो कि जो स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम में है उसमें आप कैसे पोजीशन बिल्ड कर सकते हो वो आप देख सकते हो सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अगर मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए यही जो कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वीडियोज़ में वही मैं ई मेल आपको भेजता हूँ